दोस्तों, आटे के अंदर फोक घुसाते ही हमारे रोज वाला एक काम बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारी आज की वीडियो है आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो आटा गूंदने को लेकर है। अब आटा गूंदना का काम तो जरूरी नहीं है कि हर लेडीज को पसंद हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार बहुत छोटा है, फिर भी हमें आटा तो गूंदना ही पड़ता है। ऐसे टाइम पर आप किसी गहरे छोटे बर्तन में आटा ले लीजिए। जब भी आपको थोड़ा सा आटा गूंदना हो तो आप तब आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने भी 1.5 कटोरी ही आटा लिया है और आटे में पानी डालने के बाद मैंने लिया है फोक, और फोक से ही आटे को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें जो आटा गूंदने का काम करना है वो फोक की मदद से करना है। जी हाँ, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर जब आप इस टिप को ट्राई करेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इस फोक की मदद से हम कितने बेहतरीन तरीके से आटे को गूंद सकते हैं। ना हमारे हाथ गंदे होने का झंझट है, ना ही किसी और तरह की परेशानी। पानी आपको ऐसे ही डालना है जैसे हम लोग आटा गूंदते समय डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और बस फोक से आटे को अच्छे से मिक्स करते जाइए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आटा बहुत ही बढ़िया तरीके से गूंद कर तैयार हो गया है। कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथों में जलन होती है, हाथों में कट लग जाता है, ऐसे टाइम पर ये टिप बहुत काम आएगी। या फिर कभी घर में छोटे बच्चे हैं जिनको आप बार बार संभाल रहे हो और आपका हाथ फ्री नहीं है आटा गूंदने के लिए, तो भी आप इस टिप को ट्राई कर सकते हो। और लास्ट में आपको बस इतना सा करना है कि थोड़ा सा ऑयल डालकर आटे को हाथों से चिकना कर दीजिए। अब ये जो काम है चिकना करने का, इसमें बहुत ज्यादा हमारा हाथ गंदा भी नहीं होगा और हमारा आटा भी बहुत अच्छे से परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आटा गूंदकर आप भी रोटियां बनाने का काम आसान कर सकते हैं और थोड़ी ही देर में ढेरों रोटियां तैयार कर सकते हैं। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। जो नेक्स्ट यूजफुल टिप है दोस्तों, वो प्याज को लेकर है। प्याज चॉप करना अक्सर हमें पड़ता है तब जब हम कभी नॉनवेज वगैरह बना रहे हो, घर में गेस्ट आए हुए हो, या फिर कभी जब प्याज हमें एकदम बारीक चाहिए होता है तब हम प्याज की चॉपिंग करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि घर में हर बार चॉपर ही हो। तो प्याज को चॉप करने का बहुत अच्छा सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे बहुत ही कम टाइम में आप प्याज को चॉप कर सकते हैं। अब जब हम प्याज को चॉप करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नाइफ को इस तरीके से हाथों में लेते हैं और तड़के के लिए जब प्याज हमें चाहिए होता है तो इस तरीके से चॉप करते हैं। लेकिन कई बार वेज फ्राइड राइस या फिर पुलाव वगैरह के लिए हमें एकदम फाइन चॉप प्याज चाहिए होता है, या फिर किसी सब्जी के लिए, ऐसे टाइम पर आपको लेना है एक पीलर। पीलर आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मेरे पास इस टाइम पे ये पीलर है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमें पीलर से जैसे आपको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही प्याज को चॉप करना है। ये काम इतना ज्यादा आसान है दोस्तों कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि कैसे थोड़े ही समय में हमारे ढेर सारे प्याज पील होकर यानी कि चॉप होकर तैयार हो जाते हैं। क्योंकि पीलर है तो प्याज को हम यहाँ पर इससे चॉपिंग करेंगे। अब एक छोटा सा हमारा पीलर हमारे काम को कितना ज्यादा आसान बनाता है। दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज में बहुत ही बारीक फाइन चॉप प्याज चाहिए होता है, तब इस टाइम पर ये टिप हमारे बहुत काम आती है। अगर आपके पास ऐसा पीलर नहीं है तो आप जो मैं दूसरा पीलर अभी दिखा रही हूँ, नॉर्मल वाला जिससे हम लोग आलू पील करते हैं, वही पीलर लेकर उससे भी आप प्याज की बहुत अच्छे से चॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपना जो पहले वाला पीलर था उससे प्याज को चॉप करना ज्यादा आसान काम लगा, क्योंकि उससे हाथों के कटने का डर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरीके के पीलर से आपको प्याज को चॉप करके दिखाया है। देखिए प्याज के कितने फाइन एकदम महीन लच्छे निकल कर तैयार हुए हैं। होप करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है हमारे हाथों में जलन को लेकर। कई बार गलती से ही हमारे हाथ गर्म चीजों पर पड़ जाते हैं, गर्म तेल उछल जाता है या फिर गर्म कुकर या कढ़ाई में हाथ चिप जाते हैं। ऐसे टाइम पर एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं कि हमारे किचन में होता है बेकिंग सोडा, ये सोडा आपको लेना है। यहाँ पर ना ही आपको बर्फ का इस्तेमाल करना है, ना ही किसी तरह का पेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करना है। बस आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है, 2 चुटकी, जहां पर हाथ जले हैं वहां पर सोडे को लगा लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा बूंद से पानी लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे नहीं तो सोडा बह जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए आप सोडे पर पानी डालिए और हल्के हल्के हाथों से रब करिए। सोडा जो होता है वो बहुत अच्छा जो है इस समय जलने वाले पर अच्छे से काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, बहुत ही अच्छे से एंटी एलर्जी होता है और हमारे हाथों को ठंडक देता है। तो सोडे को आपको हल्के से रब करना है, आप चाहें तो थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए कि कैसे आपके हाथों की जलन जो है वो पूरी तरीके से शांत हो जाती है और जहां जलने का निशान है वो भी नहीं पड़ता है। अब देखते हैं आज की हमारी नेक्स्ट यूजफुल टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है कपड़ों में दाग को लेकर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, नीचे एक बाउल लिया है और एक व्हाइट टी शर्ट ली है। अब हमारे पास आजकल के मौसम में आम आ रहे हैं। आम जब बच्चे खाते हैं तो कई बार क्या होता है कि आम का रस वो अपने कपड़ों पर गिराते हैं। मैं आम की एक स्लाइस लेकर उसका रस जो है, तो ये फ्रेश आम मैं टी शर्ट पर लगाकर आपको दिखाऊंगी कि कैसे बढ़िया तरीके से हमारे टी शर्ट से आम का जो जूस है वो निकल जाता है।
अक्सर ऐसा होता है बच्चे अपने कभी किसी ड्रेस पर गिरा लेते हैं, कभी अपने टी शर्ट वगैरह पर गिरा लेते हैं। तो जब भी इस गर्मी के मौसम में आम का रस किसी कपड़े पर गिर जाए तो ये छोटी सी टिप जरूर फॉलो करिएगा। इसी टाइम पर मैंने गर्म पानी गैस पर रख दिया था और पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, ये जो गर्म पानी है इस आम के दाग पर गिराएंगे। नीचे मैंने बोल इसीलिए लगाया था जिससे कि जो गर्म पानी है वो स्लैब पर फैले नहीं। अब इसके बाद से हम आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर आम के दाग हैं। इस टाइम पर आप क्या करिए कि हल्का सा कोई नाइफ ले लीजिए या फिर कुछ भी, चूंकि पानी गर्म है मैं नाइफ को यूज कर रही हूँ, कोई चम्मच वगैरह भी ले सकते हैं, और जो आम के रेशे हैं जो इसमें चिपके हैं वो थोड़ा सा हटा देते हैं, और पानी चूंकि अभी और मैंने गर्म किया है, ज्यादा किया है, तो थोड़ा सा पानी और गिराते हैं जिससे हमारा जो आम का दाग है वो पानी में हल्का सा डिप हो जाए। अब हमें क्या करना है कि 5 से 10 मिनट इस आम के दाग को पानी में डिप करके छोड़ देना है। अब पानी गर्म है तब तक हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा, तो चलिए 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये दाग निकलता है या नहीं। 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो है हम चलिए टी शर्ट को चेक करते हैं। अब जो है यहाँ पर पानी हमारा ठंडा हो गया, चलिए मैं टी शर्ट को पहले निकाल लेती हूँ, नीचे वाले बर्तन को हम हटा देते हैं। इसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ, टी शर्ट को मैंने थोड़ा नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया, हल्के से रब कर दिया, तो आप देखिए टी शर्ट पर कहीं पर भी आम के दाग नहीं है। मैं आपको क्लोज होकर दिखाती हूँ, हमारी टी शर्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुकी है। ये छोटी सी टिप है लेकिन पूरी गर्मी आपके काम आएगी। एक और यूजफुल टिप है दोस्तों मेकअप करने को लेकर। गर्मियों के दिन में जब भी हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो ज्यादा मेकअप करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमें ये डर होता है कि कहीं हमारा मेकअप बह ना जाए। ऐसे टाइम पर जब भी आप मेकअप करें तो इस छोटी सी टिप को फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत महंगे प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जब भी अपने फेस पर मेकअप करते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि स्किन आपकी बिल्कुल ड्राई हो, पसीने वाली ना हो, और एकदम ड्राई स्किन पर ही मेकअप करें। दूसरी जो टिप है मैं आपको बताऊंगी, उससे आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। आपको कितने भी पसीने आते हैं या फिर आप ऑर्डिनरी मेकअप ही क्यों नहीं यूज करते हैं, ज्यादा ब्रांड का ना करता हूँ, तो भी मेकअप जो है आपका बहकर निकलेगा नहीं, ना ही हटेगा। तो गर्मी के दिनों में मेकअप करते समय इस टिप को फॉलो करिएगा। इसके लिए आपको लेना है टेलकम पाउडर, कोई सा भी टेलकम पाउडर ले लीजिए, और टेलकम पाउडर को पहले आप थोड़ा सा अपने हाथों पर ले लीजिए एक साथ, क्योंकि हम फेस पे लगाएंगे तो फेस पर वाइट वाइट डार्क हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए मैं मेकअप के ऊपर ही टेलकम पाउडर को लगा कर दिखा रही हूँ, मैंने अच्छे से लगा लिया है, बिल्कुल भी कमी नहीं की है टेलकम पाउडर को लगाने में। अब इसके बाद से क्या करना है, सबसे पहले हम अपने हाथों को झाड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले पाउडर को, बाकी का जो एक्स्ट्रा पाउडर उसको झाड़ दे रही हूँ, मैंने यहाँ से फूंक के भी पाउडर को हटा दिया है। अब इसके बाद से आपको कोई कॉटन या कोई टिश्यू पेपर लेना है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, जितना पाउडर है हल्के हल्के हाथों से रब कर देना है, मतलब हटा देना है, बहुत जोर नहीं लगाना है, थोड़े हल्के हाथों से ही करेंगे जिससे फेस का जो मेकअप है वो खराब नहीं हो। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितने बढ़िया तरीके से पाउडर को हमने झाड़ दिया है, लेकिन हमारा मेकअप एज इट इज ही है, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, फैला भी नहीं है। तो इस तरीके से जब भी आप कभी गर्मी के दिनों में बाहर जाए तो ये पाउडर वाली टिप जरूर ट्राई करके जाइएगा, इससे आपका मेकअप बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, काफी लंबे टाइम तक चलेगा। अब तो ये हो गई मेकअप को ना हटाने वाली बात, दूसरी बात है कि मेकअप को अगर हटाना है तो क्या करें। तो इसके लिए आप ले लीजिए थोड़ा सा नारियल का तेल, विदाउट मेकअप रिमूवर ही आपका मेकअप बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा नारियल तेल अपने मेकअप पर लगाइए और बस टिश्यू या कॉटन से इस तरीके से पोंछ दीजिए। बहुत ही सिंपल सी टिप होती है, जब हम बिना मेकअप रिमूवर के ही अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।